मैं आज दरबार नहीं जा रहा। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि मुझे घर पे रहकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं, इसलिए। देखिए, पत्नी का दायित्व होता है घर संभालना और पति का बाहर का दायित्व संभालना। अरे, पति का भी तो कर्तव्य होता है कभी कभी घर के दायित्व देखने का। अम्मा अम्मा अम्मा, देखिए देखिए, ये पुण्य अवकाश की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा ना हो महाराज इन्हें सदैव के लिए अवकाश दे दें। अम्मा, अवकाश लेना आवश्यक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या बापू, आज आप अवकाश लेंगे तो कल मुझे क्या सिखाओगे? सोच लेना, मैं भी प्रतिदिन पाठशाला से अवकाश ले लिया करूँगा। अब तू एक बालक का पिता है, कुछ तो दायित्व समझ। हाँ? हाँ, और ये परिवार भी तो मेरा ही दायित्व है ना, और इसके लिए मुझे अवकाश लेना ही पड़ेगा। वैसे भी भास्कर के अन्न प्रसन्न की तैयारी के लिए मैं अवकाश लेने ही वाला था। नहीं ले सकते। किंतु एक दिन दरबार नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक दिन का वेतन कम हो जाएगा। वेतन महत्वपूर्ण है या परिवार? वेतन है? वेतन? तू वेतन संभाल और हम परिवार संभालेंगे। बापू, आज आपकी दाल नहीं गलने वाली। तुम लोग मेरी बात कभी नहीं समझोगे। भीतर नहीं, सीधा दरबार जा। अरे जा रो। चलिए अम्मा, खीर बनाएंगे। रामा, कहीं इस अनुलोम विलोम में गोविंदलो लुप्त ना हो जाए। यहाँ कपाल भाती होगी और गुरुवर तेरी कपाल क्रिया कर देंगे। हाँ बंधु, सही कह रहा है। इसके लिए कुछ भी करके महाराज को समझा के दरबार से शीघ्र अवकाश लेके पुनः घर वापस आना होगा, और यही मेरा प्रथम पड़ाव होगा इन दोनों को एक दूसरे के समीप आने से रोकने का। पुष्प को कांटे से दूर करने के लिए दो पड़ाव हैं। प्रथम, राज दरबार से पंडित रामाकृष्णा को घर नहीं लौटने देना। उसके पश्चात अनंता लक्ष्मी को उसके घर से निकालना। वाह गुरुजी, वाह 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 वाह, क्या योजना है? किंतु योजना क्या है? वो हमने नहीं सोचा है, तो तुम दोनों बताओ। बस आज दरबार से पंडित रामाकृष्णा शीघ्र घर नहीं लौटना चाहिए। इसके लिए क्या करना है ये बताओ। मैं तो कहता हूँ गुरुजी, उनकी टांगे तोड़वा दीजिए। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अपहरण करवा लेना चाहिए। गुरुजी, मैं तो कहता हूँ उसे दुनिया से उठवा लो। चुप, हम पंडित हैं, हत्यारे नहीं है। मणि ध्यान से देख, दिखते तो हत्यारे ही है। क्या कहा? यही कि गुरुजी, आप गुरुजी हमारे हैं, आप हमारे प्यारे हैं, कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेंगे। हाँ, इनके योजना में फंसने से अच्छा है हमें यहाँ से शीघ्र निकल लेना चाहिए। गुरुजी, आप हल निकालिए और हम नारियल से जल निकालते हैं। है? आज एक नारियल अधिक आ गया है ना, इसलिए। अधिक आया है? 11 की जगह 12 आ गए। 12 बताया क्यों? हम तो दोनों मिलकर खा लेते ना। परंतु हमने तो वही खाते में 11 के लिए हस्ताक्षर किए थे। त्रुटि से आ गया होगा गुरुजी। त्रुटि से नहीं, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से आ गया गुरुजी हमारे लिए। दो। भगवान की दया से नारियल के साथ साथ उपाय भी आया है। अब देखो हम कैसे पूरा करते हैं अपना प्रथम पड़ाव। पुष्प के पास कांटे को पहुंचने ही नहीं देंगे। अरे, बदल गया।
बड़ा पंडित बना फिरता है पर काम कुछ करता है। छी, बड़े पंडित बनते हैं और छोटी बहन को संभाल नहीं सकते। छी, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। छी, अपने घर की लाज के बारे में भी नहीं सोचा। छी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। छी, धोता चना बाजे घना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और। छी, मुंह में राम और बगल में छुरी। छी, प्रणाम गुरुवर। मां मूर्ख को सद्बुद्धि दे, भटकते हुए को रास्ता दिखा है। गुरुजी, समझ नहीं आ रहा है, दरबार तो उधर है, मार्ग भी समक्ष है, किंतु हम इधर खड़े क्यों हैं? चलिए गुरुजी, भटके हुए को तो माँ ने शीघ्र ही रास्ता दिखा दिया, चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, आप दोनों रूठे हुए समधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इन्हें कैसे ज्ञात हुआ? इससे पहले की बात आगे बढ़े, हमें अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए पंडित रामकृष्ण को यहीं पर रोकना हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं। गुरुवर, क्या बात है, थोड़े विचलित प्रतीत हो रहे हैं आप। क्या करें महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। कहीं ये मुझ पे कोई आरोप तो नहीं लगाने वाले हैं पुनः? महाराज, मुझे अवकाश। पंडित रामकृष्ण, गुरुवर कुछ कह रहे हैं। हाँ गुरुवर, तो कहिए क्या बात है। क्या बताएं महाराज, कैसा पाप हो रहा है महाराज आपके साम्राज्य में? कैसा पाप हो रहा है गुरुवर? महाराज, कोई आपका अपना ही आपकी दृष्टि के समक्ष जो कर रहा है उसे बताने में भी हमें लज्जा आ रही है महाराज। माँ, कहीं ये सारा ठीकरा मुझ पे ही तो नहीं फोड़ने वाले? महाराज। पंडित रामकृष्णा, आप शांत रहिए, सबसे पहले हम गुरुवर की बात सुनेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बैठ जाइए आप। बताइए गुरुवर, आप क्या कह रहे हैं? महाराज, छल कर रहा है, पाप कर रहा है महाराज। कैसा छल, कैसा पाप, बात स्पष्ट करेंगे गुरुवर। हाँ जी, स्वयं का भी सम्मान नष्ट करेंगे और मेरा भी। महाराज, हुआ यह है कि हमें एक नारियल अधिक मिला है। महाराज, वो आज अनुष्ठान के लिए हमें राजकोष से 11 के स्थान पर 12 नारियल मिले महाराज, परंतु राजकोष के बही खातों में 11 पर हस्ताक्षर लिए गए महाराज, केवल 11 पर। तो गुरुवर, इसमें छल कपट की तो कोई बात है नहीं, आपको एक नारियल अधिक मिला है तो आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता नहीं महाराज, प्रसन्नता नहीं, दुख की बात है। बात एक नारियल की नहीं, राजकोष के एक एक बही खाते का प्रश्न है महाराज। परंतु एक नारियल ही तो अधिक निकला है गुरुवर। महामंत्री जी, जहां से एक नारियल निकल सकता है वहां से धन से भरी पोटलियां भी तो निकल सकती हैं, और संभवतः निकली होंगी। एक कार्य करते हैं गुरुवर, मुंशी जी को बुला लेते हैं, त्रुटि उन्हीं की होगी। महामंत्री जी। नहीं महाराज, उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज, जो त्रुटि करता है वो तो मात्र त्रुटि छुपाने का प्रयास करता है। हमें तो यहाँ वो व्यक्ति चाहिए जो सच्चाई समक्ष लेकर आ सके, जो बस बही खातों को देखते ही ये समझ जाए कि त्रुटि हुई है
छल हुआ है। उचित कह रहे हैं आप गुरुवर, और ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, आप हैं। आप ही के पास है ऐसी ब्रह्म दृष्टि। हाँ वो तो है महाराज, वो तो है। तो महामंत्री जी, महाराज सारे बही खाते गुरुवर को सौंप दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, नहीं, हमारे कहने का अर्थ है कि महाराज इस कार्य को करने के लिए हमारे पास ब्रह्म दृष्टि है, परंतु हम ये कार्य कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें तो अनुष्ठान करना है ना महाराज। हाँ महाराज, हमारे विचार से इस कार्य को करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो है। महाराज मुझे अवकाश चाहिए। दीजिए, कार्य मिला नहीं, काम चोरी पहले प्रारंभ हो गई। पंडित रामकृष्णा, ये अवकाश का नहीं विकास का समय है, और ये अत्यंत आवश्यक कार्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अतः ये कार्य हम आपको सौंपते हैं। किंतु महाराज, मुझे तो भास्कर के अन्नप्रसन्न की तैयारी भी तो करनी है ना। महाराज उसके लिए हमने पहले ही अपनी बहन को इनके निवास पर भेज दिया है। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए तो किसी को भी भेजा जा सकता है महाराज, परंतु ये जो कार्य है, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त पंडित रामकृष्ण ही हैं। और हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण, आपके लिए आपके बेटे के अन्नप्रसन्न से अधिक महत्वपूर्ण है विजयनगर राज्य की प्रतिष्ठा, विजयनगर राज्य का मान, विजयनगर राज्य का भविष्य। उचित कह रहे हैं गुरुवर। तो कहिए पंडित रामकृष्ण, विजयनगर राज्य का मान रखने हैं तो आप तत्पर हैं कि नहीं? जी महाराज, मैं सभी बही खाते अपने निवास पर ले जाऊंगा। नहीं, आप निवास पर नहीं जा सकते। नहीं, हमारे कहने का अर्थ है कि आप निवास पर बही खाते नहीं ले जा सकते। महाराज बही खातों का प्रश्न है महाराज, उसमें कितनी गोपनीयता होती है, और आप तो जानते हैं महाराज ये पंडित रामकृष्ण के परिवार को भली भांति वो है, समझ गए ना आप महाराज। गुरुवर उचित कह रहे हैं, बही खाते में कुछ अत्यंत गोपनीय बातें हैं हमारे राज्य के विषय में, तो पंडित रामकृष्ण ये कार्य आपको यहीं रहकर करना होगा, और जब तक ये कार्य आप संपन्न नहीं कर लेते हैं, ना ही आप किसी से मिल सकते हैं और ना ही कोई आपसे मिल सकता है। आप सीधा हमसे संपर्क साधेंगे। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। आया था लेने अवकाश, पर मिला कालावास इनके कारणवश। हो गया कांटा पुष्प से दूर, प्रथम पड़ाव संपन्न हुआ, दूसरा पड़ाव अब पुष्प को वापस लाना है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। ये क्या ध्यान से सुनेंगी, इनका ध्यान तो कहीं और है। सबसे पूर्व चावल को अच्छी तरह से धो लेना। सबसे पूर्व चावल को अच्छी तरह से धो लेना। ओहो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तत्पश्चात बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करना। उसके पश्चात बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करना। बिल्कुल सही। तत्पश्चात केसर को दूध में डालकर उबलने देना। दूध में केसर डाल के उबाल देना। समझी? समझे? हाँ, समझा। मैं भी समझ गया, परंतु मेरी अम्मा श्रीमती शारदा देवी नहीं समझी होंगी। पर हम नहीं समझे। हम जो कुछ तुम्हें बोल रहे हैं, तुम हमारे भाई को क्यों बोल रही हो? हम बोल कहाँ रहे हैं? हम तो दोहरा रहे हैं। बचपन में भ्राता श्री कहते थे कि साथ साथ दोहराने से शीघ्र स्मरण हो जाता है। साथ दोहराने से सबको स्मरण हो जाता है। बात साथ साथ दोहराने से सब स्मरण हो जाता है। उचित है। तो सबको स्मरण हो ही गया है, तो वैसे का वैसे ही करना। तुम्हारे साथ साथ हमें भास्कर को भी अभ्यास देना है ना, वो अन्नप्रसन्न के पश्चात वाली क्रिया के लिए।
इसीलिए खीर चढ़ाने के पश्चात तरकारी भी काट लेना, आलू बड़े, टमाटर मध्यम और गोभी महीन काटना। खीर चढ़ाने के पश्चात तरकारी भी काट लेना, आलू बड़े, टमाटर मध्यम और गोभी महीन काटना। आलू बड़े, टमाटर मध्यम और गोभी महीन काटना, वो तो ठीक है, पर गोविंद तुम क्यों दोहरा रहे हो? अभी अभी आनंदा जी ने कहा ना कि दोहराने से सब स्मरण हो जाता है। हाँ, दोहराने से सबको स्मरण हो जाता, पर फिर भी तुम क्यों दोहरा रहे हो? स्मरण करने के लिए। हाँ, स्मरण करने के लिए उचित है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, एक ओर उन तोता मैना के बीच में और दूसरी ओर भास्कर के अन्न प्रसन्न क्रिया की तैयारी में। इन पुस्तकों में त्रुटि ढूंढना तो पर्वतों में चूहे ढूंढने जैसा है, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में तो मैं अपने भास्कर के अन्न प्रसन्न क्रिया के लिए समय पर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। और क्या नहीं, अन्न प्रसन्न के पश्चात होने वाले भविष्य चयन संस्कार के विषय में ये लोग कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे मेरे भास्कर को? देख मेरे लाल, ऊंची कोठी ऊंचा मकान, होती है इसकी अलग आन बान, इसलिए मात्र चुनना ये मिट्टी का स्थान। साथ साथ दोहराने से शीघ्र स्मरण हो जाता है। हाँ, ऊंची कोठी ऊंचा मकान, होती है इसकी अलग आन बान, इसलिए मात्र चुनना ये मिट्टी का स्थान। अपनी अम्मा के लिए ना बड़े बड़े मकान बनाना, ठीक है? शारदा, घर बाद में बनेगा, पूर्व नया परिवार बनता दिख रहा है मुझे। हमें आज तक कभी किसी ने पुष्प नहीं दिया। मुझे भी। दूध तो नहीं गिरा दिया? मेरे प्याले भतीजे, तू शारदा की बात मत मानना, केवल मेरी बात मानना। लोहे के तलवार में जो धातु, चांदी के बर्तन में जो धातु, इसलिए तो चुनना केवल मेरी घंटी की धातु। घंटी कुमार चाचू, मैं क्यों चुनूं धातु? अपनी भांति छोटा बच्चा समझ के रखा है क्या कि किसी की भी बातों में आ जाऊंगा? और बड़े होकर आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं? हे ईश्वर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं विचलित होकर कोई अनुचित वस्तु न चुन लूं। अवश्य ये लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मेरा भास्कर विचलित हो जाएगा। इससे पूर्व कि इन सब का प्रभाव मेरे भास्कर पर पड़े, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ, महाराज, आज हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी आपके प्रिय व्यंजन बनाए हैं। ये सब आपने बनाए? जी महाराज, ईश्वर की कृपा है। धन्य है छोटी महारानी जी ने ये व्यंजन नहीं बनाए हैं, अन्यथा खाने का मन नहीं कर रहा हमारा। परंतु महाराज, ये भोजन देखकर तो करेगा ना? ये देखकर तो हमारे हाथ तत्पर है पहला निवाला तोड़ने के लिए। हमारी जीवा व्याकुल हो रही है इसे चखने हेतु, और हमारा हृदय इसका आनंद अनुभव करने हेतु तत्पर है, व्याकुल है। महाराज, उचित अवसर पर आया हूँ। अब देखना महाराज स्वयं मुझे मेरे निवास पर कैसे भेजते हैं। पंडित रामाकृष्णा को तो सही स्थान पर पहुंचा दिया, अब खेल का अगला पड़ाव अनंता को उसके घर से वापस लाना है। तो गुरुजी, इस अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए
क्या योजना सोची है आपने? अरे सोच ही तो नहीं पा रहा है हमारा मस्तिष्क, दुखने लगा है। एक कार्य करो धनी। गुरुजी तुम हमारे सर को दबाओ, मनी तुम हमारे पैर को दबाओ। जी गुरुजी, हम आपके मस्तिष्क की मालिश के लिए तेल गर्मा के लाते हैं। क्या करें मनी, क्या करें? आज गुरुजी पूरी रात हमसे अपनी सेवा कराएंगे। क्या करें धनी, ऐसा कोई उपाय भी तो नहीं है जिससे हमारे बुढ़े की बुद्धि तेज चलने लगे। मनी मेरा बस चले तो। मनी तेरे पास कोई हो ना हो, किंतु मेरे पास एक उपाय है। बता बता क्या? मेरे उपाय के अनुसार गुरु जी का दिमाग दौड़ाने का कार्य हम नहीं करेंगे तो? गुरु माता करेगी। हाँ ये अच्छा है। घंटी कुमार चाचू, आप देख नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं आपको सीधा प्रसारण सुना देता हूँ। पीछे खीर उबल रही है और सामने प्रेमियों का प्रेम। अम्मा कैसे खूब खिला रहे हैं दूसरे को प्रेम से। ये मधुमक्खी हमारे फूल पे क्यों मंडरा रही है? हाँ अम्मा, ये अनंता हमारी गोविंद की दादा बनने का क्यों प्रयास कर रही है? अल्ले त्या तल्ले, मुझे भी तो बताओ। अम्मा ये कच्ची गोभी अत्यंत प्रेम प्रतीत होता है, इन्होंने तो कहा था कुछ गड़बड़ है पर ये तो संपूर्ण गड़बड़ है। अम्मा रामा की बात कभी कभार सुन लेनी चाहिए। हाँ अम्मा वो सब तो ठीक है, परंतु अब हमारे प्रिय भाई को इस अनंता से कैसे बचाएंगे? गुरुवर को क्या हो गया तो? अरे मूर्खो, तेल लाने गए थे या तिल से तेल निकालने गए थे? इतना समय कैसे लगा दिया? बैल बनकर कोहनी में जुत गए थे क्या? नहीं नहीं गुरुजी, हम मालिश से भी बहुत ही अच्छा उपाय लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे आपके माथे की पीड़ा ही नहीं मिटेगी बल्कि आपका मस्तिष्क भी बहुत ही तेजी से चलने लगेगा। हाँ नहीं नहीं, ये पाप है, अभी तो घोर पाप है। गुरु माता अपने पति के कष्टों का निवारण करना पाप है क्या? हाँ गुरु माता, एक महाज्ञानी अंतर्यामी वेद वक्ता भविष्य वक्ता दूरदर्शता व्यक्ति की बंद पड़ी वस्तु अर्थात बंद पड़े मस्तिष्क को आप नहीं चलाएंगी तो इनके सम्मान का क्या होगा? वरुण माला ये पाप नहीं पुण्य है, जो उपाय इन्होंने बताया है वो उपाय करिए और अपने पति का उद्धार कीजिए। हम आपके नेत्रों के समक्ष ही नहीं कर सकते। है? अच्छा ठीक है, हम अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा है। अब आनंद आया। बहुत ही। आइए उपाय कीजिए। जी स्वामी। ये लीजिए गुरु माता। अधिक शक्ति से तो नहीं मार दिया हमने? ईश्वरी क्या हो गया उनसे? ये क्या किया वरुण माला, क्यों किया ये तुमने? क्योंकि इन दोनों ने हमको ये उपाय बताया था। गुरुजी वो क्या है, हमें एक बहुत ही बड़े महान और विद्वान पंडित ने ये उपाय सुझाया था तो हमने गुरु माता को सुझा दिया। अरे मूर्खो, हमें हर वस्तु हर व्यक्ति चार चार दिख रहे हैं। वाह, पंडित जी ने ये भी कहा था कि चार गुना तेजी से मस्तिष्क काम करेगा जो कर रहा है आपका। चुप रहो मुर्गो। वैसे हमारे माथे की पीड़ा तो एकदम बंद हो गई। वरुण माला आप जाइए। जी धन्यवाद इस उपकार के लिए, आपने जो उपकार किया है हम आपको 7 जन्म तक उसके लिए याद रखेंगे। जी स्वामी हम जाते हैं।
अब ये पंडित रामकृष्ण हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने पहला पड़ाव पूरा किया, वैसे ही दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लेंगे। तो आपके बनाए हुए व्यंजन का ये पहला खाना लीजिए, इसे प्रेम पूर्वक हम तरकारी में डुबाते हैं, फिर इसे प्रेम पूर्वक दाल में डुबाते हैं, और फिर थोड़ा सा अचार। इतना स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा है। एक क्षण महाराज। क्या हुआ? एक क्षण। ये क्या किया आपने? थोड़ा सा प्रेम महाराज, थोड़ा सा प्रेम। ग्रहण करे जी महाराज। महाराज। पंडित रामकृष्ण, क्या हुआ? कार्य संपन्न हो गया? आपने निरीक्षण कर लिया भाई खाते का? महाराज महाराज क्या करे, पंडित रामकृष्ण आपसे पूछ रहे ना, कार्य संपन्न हुआ कि नहीं? आपको त्रुटि मिली भाई खाते में? कलम। कलम? कलम नहीं मिली महाराज। कलम नहीं मिली पंडित रामकृष्ण? हाँ। आपके पास है क्या? पंडित रामकृष्ण, दुल्वा वंश के महाराज है हम तलवार उठाते हैं। कलम हमारे पास क्या करेगी पंडित रामकृष्ण? हमारे पास कोई कलम नहीं। किंतु बिना बिना कलम के महाराज मैं कैसे? महारानी चिन्ना देवी जी महाराज, आप तो हमें इतने सारे प्रेम पत्र लिखती थी ना जी महाराज, तो आपके पास तो कलम होगी जी महाराज। कहाँ है वो कलम? वो हमने एक छोटे से संदूक में रखी हुई है। छोटे से संदूक के भीतर है, जाइए वहां जाकर ले लीजिए। अब हमारा स्वादिष्ट भोजन। महारानी चिन्ना देवी, एक बार पुनः इस पे थोड़ा सा प्रेम यदि आप। महाराज। अब क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? महाराज स्याही नहीं मिल रही है। स्याही भी तो कलम के पास ही होगी ना, वहीं पर देखिए, ढूंढिए, वहां पर मिल जाएगी आपको। जाइए। अच्छा क्षमा करें, मेरे निवास पर होता तो आपको कदापि कष्ट नहीं देता। ठीक है जाइए आप। जी क्षमा चाहते हैं, थोड़े क्रोधित हो गए आप। प्रेम जी महाराज। अद्भुत महाराज। महाराज क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? क्षमा करें, कोई श्वेत पत्र होगा क्या गणना लिखने के लिए? श्वेत पात्र भी वहीं होगा पंडित रामकृष्ण, और पुनः मत आइएगा, जाइए वहीं पर होगा। जी 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 क्षमा करें महाराज, मेरे निवास पर होता तो कदापि आपको कष्ट नहीं देता। जी जी जाइए वहीं पर होगा। महाराज भोजन आरंभ कीजिए, अब पंडित रामकृष्ण नहीं आएंगे। पक्का नहीं आएंगे? जी महाराज, कीजिए आरंभ। उचित है। महाराज अब क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, क्या नहीं मिल रहा है आपको? वो भीतर बहुत मच्छर है, यदि मच्छर भगाने की कोई औषधि मिल जाती तो। मच्छर? तलवार देते हम आपको हमारी। महाराज शांत हो जाइए, तलवार से मच्छर नहीं मरते। क्षमा करें महाराज, यदि मैं अपने निवास पर होता तो आपको कदापि कष्ट नहीं देता। तो अपने भाई खाते लेकर जाइए वहां पर, अपने निवास पर कार्य कीजिए, जहां पर आपको मच्छर नहीं काटेंगे। मुझे थे महाराज, यदि आप ही ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसी आपकी आज्ञा। पंडित रामकृष्ण आप भाई खाते अपने आवास पर लेकर जा रहे हैं, परंतु इस बात को गोपनीय रखिएगा, किसी को पता ना चले कि भाई खाते आपके आवास पर है। जो आ गया महाराज। पड़ाव पूर्ण
अब दूसरा पड़ाव। अम्मा ये हमारा भाई है, ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, न ही सनंता के और न ही गुरुवर के। चलो धनी मणि। जी गुरुजी। गुरुजी इधर नहीं। उधर। इधर नहीं। उधर गुरुजी। इधर नहीं। अरे उधर। न इधर न उधर। गिर गए गुरुजी। हमारा मस्तिष्क चार गुना चलने लगा। पंडित रामाकृष्ण तो क्या, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। निश्चित तौर से मोरनी मोर को नचा रही होगी। अली त्यातल्ले मुझे भी तो बताओ। घंटी कुमार चाचू आप क्या करोगे देख के, यहाँ घंटी बजाने का नहीं शहनाई बजाने का कार्य हो रहा है। ये केवल मोरनी की तरह नचाएगी ही नहीं, फेरे लेने की तैयारी में भी है। अरे क्या बोले तू, मुझे भी तो बताओ। ज्ञात है फेरे लेते समय तुम्हें हमें कुछ देना होगा। क्या देना होगा प्रिय, बोलो ना क्या देना होगा फेरों के साथ। चाकू नहीं तो करछी। करछी नहीं मेरे भोले भंडारी, वचन। वचन देना होगा। परंतु वचन कैसे देते हैं? मुंह से। मुंह से तो केवल ऐसे चूल्हा जलाने के लिए फूंक मारने आती है मुझे। कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं ना। अब हम जो कुछ भी बोलें उसके आगे मैं वचन देता हूँ, लगा देना। मैं वचन देता हूँ। अरे अभी हमें कुछ बोलने तो दो। मैं वचन देता हूँ। जाने क्या क्या सिखाएगी, मुझे तो इन्हें रोकते हुए भी लज्जा आ रही है। अम्मा बापू तैयारी मेरे अनुप्रासन की हो रही थी और वातावरण शादी ब्याह का बन रहा है, ये उचित नहीं है। जो हो रहा है अनुचित हो रहा है। ओ शारदा महोदया जाओ रोको इन्हें। आप रोको। अम्मा तुम जाओ। मैं जाकर रुकू। इसके पश्चात हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, तो बोलो सात वचन देने के लिए तैयार हो ना। मेरे कानों में शहनाई सी बजती क्यों सुनाई दे रही है? बापू शहनाई छोड़ो, कोई पंडित को बुलाओ, मंत्र प्रारंभ करो, फेरे प्रारंभ हो गए हैं। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं ही मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम तनो हरि। मेरे कानों में तो विवाह वाले मंत्र सुनाई दे रहे हैं। प्रथम वचन पोषण का वचन होता है, तो तुम बोलो कि तुम हमें प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगे। मैं वचन देता हूँ मैं तुम्हें प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगा। अब रोक के कोई लाभ नहीं बापू, प्रथम फेरा संपन्न हुआ। दूसरा वचन शक्ति का होता है, जब भी हम निर्बल अनुभव करेंगे तुम हमें हिम्मत देने के लिए हमारे हाथ पैर दबाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी मैं निर्बल अनुभव करूंगी तुम हमें हिम्मत देने के लिए मेरे पैर दबाओगे। नहीं नहीं मेरे हाथ पैर दबाओगे। ओह यानी तुम्हारे पैर मैं दबाऊंगा। हाँ। देखो देखो पहले वचन में हलवाई बना दिया, दूसरे वचन में सेवक बना दिया, आगे जाने क्या क्या बनाएगी इसे। पहले तो मात्र सर में पीड़ा हो रही थी, ऐसा मारा वरुण माला ने हमें सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है।
ये हमें चौराहा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये चौराहा ही है। हाँ। ये चारों तरफ चार रास्ते क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो तो है। गुरु जी स्पष्ट, आपकी बुद्धि स्पष्ट हो गई, वो भी चार गुना। चलो हमारे साथ पंडित रामकृष्ण को सबक सिखाते हैं। तो गुरु जी, पंडित रामकृष्ण जी का निवास इस दिशा में नहीं है, उस दिशा में है, उधर उधर। उधर इधर है गुरु जी। उधर है इधर। जब मूर्ख गुरु कौन है? आप। सही कौन बोल रहा है? हम। तुम? चुप। हम सही बोल रहे हैं। अरे मूर्खों, वैसे भी हम तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हैं। अब चलो हमारे साथ, अपनी गति बढ़ाओ, चलो। अगला वचन। अगला वचन आप भी तो दो। कन्या भी तो वचन देती है ना? हाँ। नहीं नहीं, आजकल कन्या को वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल पुरुष से वचन लेती है। और अगला वचन धन समृद्धि का वचन है, तुम जो भी कमाओगे उसकी पाई पाई का लेखा जोखा तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी कमाई पाई पाई का लेखा जोखा नहीं, बल्कि तुम्हारी कमाई पाई चाहिए। मैं वचन देता हूँ, मैं मेरी कमाई का पाई पाई तुम्हें नहीं देगा। हाँ दीदी, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। देखो देख लो, ये है तुम्हारा प्रिय गोविंदुलू। मैं तो कहता हूँ गया तुम्हारे हाथ से, गया ये तुम्हारे हाथ से। नहीं नहीं, वो हमारा प्रिय भाई है और हम उसकी प्रिय बहना, वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे, है ना गोविंद? हाँ हाँ दीदी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ऐसा ही लगता है? देख लो अम्मा, इसे अभी भी ऐसा लगता है। शारदा, मैं तो कहता हूँ अब ये तुम्हारी नहीं, मात्र इसकी सुनेगा, इसकी। हाँ नहीं नहीं, हम उसके सबसे प्रिय हैं। अच्छा, अभी तुम्हारी आंखें पूर्ण रूपेण खोलता हूँ, स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि ये तुम्हें अधिक प्रेम करता है या इसे इसे। हाँ? ओ अम्मेश्वरी, लड्डू कहाँ रखे हैं बताओ? गोविंदलू, जो भी तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो, सर्वप्रथम उसे ये खिलाना। हाँ, ये लो खिलाओ। गोविंदलू, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो ना, और जिसकी बात मानने वाले हो, उसी को खिलाना, ठीक है? आप भी ना दीदी, कैसी बात करती हो? मैं सबसे अधिक आप ही से तो प्रेम करता हूँ, आप ही से, और इसीलिए सर्वप्रथम लड्डू आप ही को खिलाऊंगा। शीघ्र इस प्रेम प्रसंग को रोको, यदि गुरुवर ने ये देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कैसी बातें करती हो दीदी, मैं सबसे अधिक प्रेम आप ही से करता हूँ, आप ही से, और इसीलिए सर्वप्रथम लड्डू आप ही को खिलाऊंगा। क्या हुआ, आप ऐसे रोने क्यों लगी दीदी? बोला मेरा है, तो खिलाओ उसको। क्या बात है, ध्यान कहीं और मन कहीं और, वाह। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ शारदा, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था ऐसा ही है तुम्हारा भाई, केवल दिखने में भोला है, अंदर से सपोला है, सपोला। हाँ सही कहा आपने, ये हमारा भाई नहीं है। हाँ? तेज पहुँचाइए इसलिए हमें। हाँ? फिर तो कहा तुमने हमारा, सही कह रही है बिल्कुल। शारदा, रोना ही है तो थोड़ा सुर में तो रो लो, जैसे मैं रोया करता हूँ।
अरे रुक जाइए गुरुजी, सुनिए तो रुक जाइए। अरे गुरुजी कहाँ जा रहे, रुकिए गुरुजी। चुप रहो। गुरुवर गुरुवर जब देखो रोना शुरू कर देते हो, चलते चलो, नहीं रुकेंगे हम। अरे गुरुजी पंडित रामकृष्ण का निवास इधर नहीं उधर है, ये तो नगर कोतवाल का निवास है। गुरुजी अरे आ चुप कर बैठे हो, दोस्त निर्लज्ज पाखंडी। सांस कैसे हुआ तुम्हारा, हमारी छोटी सी प्यारी सी सुशील सी बहन पर दौरे डालने का। अरे ये गुरुवर ये क्या कह रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए आप, मत बोलिए आप। ये हमें चार चार के दिखाई दे रहे हैं, किससे बात करें, इससे बात करें, इससे बात करें, किससे बात करें। जो भी चुप रहिए आप, बीच में मत बोलिए आप, अपने परिवार के समक्ष हमें सत्य बोलने दीजिए, ताकि आपकी धर्म पत्नी को भी पता चले जिसे वो अपना परमेश्वर समझती है वो परमेश्वर नहीं छलेश्वर है। छल भरा है उसके मन में, विचारों में विकार है, मन का हल्का है, मन चला है, तन चला है। ये तन चला क्या है, ये खड़ा है ना तन चला, जिसके तन के कोने कोने में गंदे विचारों के कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं। पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री पर फिसलता है। अरे क्या कह रहे हैं गुरुवर, पत्नी घर पे है। हाँ उसके पश्चात भी पराई स्त्री पर चिताता है। गुरुवर आप पिटवाएंगे। चुप रहिए, तुम जैसे व्यक्ति को तो घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये क्या है, ये हमें चार चार अजीब से प्राणी क्यों दिख रहे हैं। गुरुजी ऐसा इसीलिए क्योंकि हम पंडित रामकृष्ण जी के घर में नहीं है, कोतवाल के घर में है, और ये उनकी धर्म पत्नी है। ये क्या कर दिया हमने, ये क्या हो गया हमसे। गुरुजी आपने गलत घर में आग लगा दी, गलत आग में घी डाल दी। मुझे तो पहले से ज्ञात था शारदा, ऐसा निकलेगा तुम्हारा भाई, मस्तिष्क से भी कच्चा और मन से भी कच्चा। हाँ बापू आग में घी मत डालो, अग्नि आपकी और ही लपटे मारेगी। यही सिखाया था माता पिता ने, कर्तव्य ऐसे निभाते हैं। भाई तो हम भी कह रहे हैं कर्तव्य ऐसे निभाते हैं। तुम मुझ पर क्यों कुपित हो रही हो, सारा दिन दरबार दरबार करते रहते हो, परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। उठा लो क्या, घर का दायित्व उठा लो, कर्तव्य पूर्ण कर लो, परिवार का उत्तरदायित्व उठा लो। परिवार को तो कुछ समझता नहीं है, एक दिन दरबार न जाकर घर संभाल लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। यही तो प्रातः मैं बोल रहा था। तो जो बोलते हो करते क्यों नहीं, वही करने तो शीघ्र आया हो, तो अवकाश क्यों नहीं लिया। अरे वही तो ले रहा था। मत बोल मत कर। अरे परंतु तुम दोनों कुछ करने कहाँ गए। बहुत हो गया कर्तव्य से भागना, अब आप ही संभालो। तो संभालना ही पड़ेगा, अन्यथा गुरुवर से सीधे सीधे शत्रुता आरंभ हो जाएगी। अत्यंत ही अनुचित समय पर ये चक्कर प्रारंभ हुआ है, किसी को मेरा अन्नप्राशन तो स्मरण ही नहीं। आपने त्रुटि से एक दानव को क्रोध दिला दिया है, और इसके प्रकोप के सामने जो भी आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। चार चार दानव हमारी ओर क्यों आ रहे हैं। आप क्यों नहीं कोतवाल जी की ओर जा रही हैं? मैंने पूछा कौन है वो स्त्री। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या गुरुवर झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी कोतवाल जी की रक्षा कीजिए, अन्यथा आज कोतवालन के हाथों उनका अंतिम संस्कार तो होके ही रहेगा। अरे चुप रहो मूर्खो, जब आंधी सामने हो तो सर्वप्रथम अपनी धोती को संभालना चाहिए। ये तो मात्र पिटेगा परंतु हम तो चकनाचूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने पहली बार बुद्धि की बात की है, इससे पहले आंधी का रुख हमारी ओर आ जाए हमें यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। हाँ निकल लो। मुझे दरबार के लिए निकलना है। अरे नहीं, अपने पति पर प्रहार करोगे। अरे पति पर प्रहार करना पाप है। अच्छा चरणजीवी वेंकटेश। अरे बच्चों को क्यों बुला रही हो। प्रसाद वल्लू मंगलम, उत्तप्पा सुंदरम जय सूर्या। क्यों सबको बुला रही हो। बच्चों
क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मामा। तो अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण! अनंता देवी, एक अच्छे अतिथि का कर्तव्य होता है कि कुछ समय, मात्र कुछ समय ही जजमान के यहाँ रहना और पुनः अपने घर चले जाना। सत्य कहा, और ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा अतिथियों को सम्मान मिलना बंद हो जाता है। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। देखो तो कितनी समझदार है अम्मा। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी एक अच्छे अतिथि के कर्तव्य का पालन करना चाहिए? हाँ, परंतु सर्वप्रथम हम तो इस घर के अतिथि है ही नहीं ना। बापू, इन्होंने मन ही मन गोविंद को अपना पति और इस निवास को अपना ससुराल स्वीकार कर लिया है। तो क्या है, हम तो आपकी पत्नी की होनहार सी, प्यारी सी, समझदार सी, सब असत्य, सुशील सी विद्यार्थी है। और विद्यार्थी तो तब तक नहीं जा सकता ना जब तक उसका पाठ पूर्ण ना हो जाए। वो तो हो गया ना। अरे वो तो हो गया, वो देखिए आपने खीर बना भी ली। आहा, देखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना अम्मा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर सकती हैं। हाँ, वही तो नहीं कर सकते ना। हमने अपने भ्राता श्री के सर की सौगंध खाई थी कि जब तक हम शारदा देवी से सारे पकवान बनाना नहीं सीख लेते ना, तब तक हम इस घर से नहीं जा सकते। और इतना सब कुछ सीखने के लिए अब 2-3 माह तो लगेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अभी तो ठीक हूँ, किंतु आप 2-3 माह यहाँ और रुकी तो गुरुवर के हाथों मेरा इस संसार से गमन हो जाएगा। कुछ और ही सोचना होगा बापू। तोता मैना में मैना चतुर है, इस तोते का ही मस्तिष्क धोना होगा। तोता गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंदुलु, दरबान की भांति यही खड़े रहते हो क्या द्वार पे? हाँ, यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है। और क्या क्या मन करता है? मन कभी वो करता है, कभी धक धक करता है, तो कभी फड़फड़ करता है। ओ फड़फड़ को मार बस करो, संभालो अपने आप को, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें अतिथियों से दूर रहना चाहिए, विशेषकर अनंता से। जीता जीजा जी, वैसे ही करूंगा, परंतु मेरे पाँव स्वयं ही बाहर चले जाते हैं। जीजा जी, काट डालो उन्हें जी, अर्थात वश में रखो, वश में रखो। वैसा ही करूंगा, परंतु वो स्वयं मेरे पास आ गए तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा जीजा जी? तो मुझे ये बताओ, तुम्हें सबसे अधिक समय किस कार्य में लगता है? गिनने में। बहुत अच्छे, तो भंडार गृह में जाओ और जाकर गणना करो कि अब तक अन्न प्रसन्न के लिए कितने लड्डू तैयार हुए। जाओ। हाँ, जो आज्ञा जीजा जी। गोविंदुलु। आपने हमारे भाई को भंडार गृह में क्यों भेजा? अरे तोता और मैना को अलग करने के लिए किसी एक को तो पिंजरे में बंद करना ही होगा ना, ताला कहाँ है? आप हमारे भाई को अंदर बंद कर देंगे? करना आवश्यक है शारदा। तू वो अंदर खाएगा पिएगा क्या? ओ मूर्ख भाई की बुद्धिमान बहन, भंडार गृह में सब कुछ तो है, ये बताओ ताला कहाँ है? वहाँ। अरे अरे रुकिए। नहीं रुकूंगा। अरे सुनिए तो। नहीं सुनूंगा कुछ मत बोलो। अभी मुझे कहा था ना कि कर्तव्य नहीं निभाता, अब निभा रहा हूँ। ये मैंने बंद किया ताला और ये कुंजी फेंकी बाहर। अब तोता अंदर और मैना बाहर, मिलने का कोई विकल्प ही नहीं। मूर्ख है, दोनों तोता मैना भीतर है।
क्यों नहीं? आपने पता नहीं कह दिया, अब जाइए कुंजी खोज के लाइए और द्वार खोलिए। हे भगवान, गुरुजी ये देखिए शाही भाई खाता तो यहाँ पर है। यानी हमारी ब्रह्म दृष्टि सही थी, पंडित रामाकृष्णा पुणे दरबार से लौट आया है। बधाई हो गुरुजी, पहली बार आपकी ब्रह्म दृष्टि कार्य कर रही है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। हर हर महादेव। तथाचार्य चलो हमारी बहना बताओ, नहीं तो हम भस्म कर देंगे। शारदा देवी, हमारी भोली बहन कहाँ है? भोली बहन? भोली वाली का तो पता नहीं, लेकिन चतुर वाली भीतर है। और वो कहाँ है? वो भी भीतर है, आपकी बहन के संग है? वो भी भीतर है, यानी दोनों भीतर हैं। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? कुंजी कहाँ है? मिल गई कुंजी। कुंजी कुएं में गई भैंस पानी में। नहीं लामा, गई कुंजी कुएं में। एक ही बात है गुंडप्पे, गुरुवर को ज्ञात हुआ वो मुझे भी कुएं में धकेल देंगे। क्यों, कुंजी तो हमारी है। किंतु बहन तो उनकी है ना। हे भगवान, बिना कुंजी के ताला कैसे खोलेंगे? गुरुवर को पता चला वो तो मेरे प्राण ही हर लेंगे। वो दोनों भीतर भंडार गृह में बंद है, अकेले हैं। और आप प्रसन्न हो रही? आपको कोई आपत्ति नहीं है क्या? आपत्ति? गुरुवर घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति। पर क्या करें, हमारा हृदय टूट गया है, मन तड़प सा गया है हमारा। तो आपने होने कैसे दिया? हुआ है तो कुछ करते क्यों नहीं आप? हाँ, परंतु गुरुवर हम कर भी क्या सकते हैं? आप नारी हैं, सब पर भारी हैं, अपनी आवाज उठा सकती हैं। नारी शक्ति, असली शक्ति। भयभीत मत होइए, हम भी आपके साथ हैं। हम सब मिलकर हमारी नारी शक्ति दिखाएंगे। किंतु हम नारी नहीं है गुरुजी। हाँ, हाँ तो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इनकी नारी शक्ति दिखाएंगे। चलिए द्वार खोलिए। चलिए, द्वार नहीं खुलेगा। अवश्य खुलेगा, अवश्य खुलेगा। स्मरण रखिए, नारी शक्ति। क्या? नारी शक्ति? नारी शक्ति है, कोई ताले की कुंजी नहीं जो द्वार खुल जाएगा। तो कुंजी कहाँ है? फेंक दी। फेंक दी? फेंक दी, उन्होंने फेंक दी। कुंजी तो गई गुड्डप्पे, अब द्वार कैसे खोलेंगे? वो तोता मैना को बाहर कैसे निकालेंगे? बिना कुंजी के ताला खोलने का कोई तो उपाय होगा ना? दिल्ली से मान पंडित मुझे पूछ ले तो खुद सोच के ही बोलना होगा। तुझने दे लामा, तुझने दे, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही मिलेगा। हाँ हाँ, तो अब सोच। एक तो स्वयं को भीतर बंद करवाया और कुंजी भी फेंक दी, वो भी सब अपने परिवार के समक्ष। छी छी छी, कितना नालायक है आपका पुत्र। सावधान, मेरे पुत्र को नालायक कहा तो? अब शारदा देवी, हमने आपके भास्कर को नालायक नहीं कहा है। हाँ गुरुवर, शब्द हमारे हैं परंतु विचार अम्मा के हैं। अम्मा कह रही है उनके पुत्र को नालायक मत कहिए। वाह दादी अम्मा, इसे कहते हैं पुत्र प्रेम। आज प्रथम बार आपको दादी मानने में गर्व हो रहा है। मेरा पुत्र नालायक नहीं, निकम्मा है। हाँ वो तो हम जानते हैं, निकम्मा है। नहीं नहीं अम्मा, वो केवल निकम्मे नहीं है, थोड़े से वो भी है। गुरुजी, थोड़े से वो भी है। यदि पंडित रामकृष्ण वो भी है तो हम भी वो है। क्या आप भी कपटी है? हाँ। नहीं, हम शक्तिशाली पंडित तथाचार्य।
कुंजी नहीं है तो क्या हुआ? हम ताला तोड़ भी तो सकते हैं। हम ताला तोड़ेंगे। आइए। अभी ठोस से ताला कौन तोड़ पाएगा? हम तोड़ेंगे, और कौन तोड़ेगा? और हम भी पूरा पूरा साथ देंगे। हाँ, तोड़ो तोड़ो। तत्पश्चात ताला तोड़ने वाले का मस्तक मैं तोड़ दूंगी। हम भी साथ नहीं देंगे। मेरे रहते इस ताले का कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। अम्मा अम्मा अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अंदर एक पर पुरुष एक पराई स्त्री के साथ बंद है और आपको ताले की पड़ी? ऐसे क्या है इस गले सड़े ताले में? पारिवारिक रहस्य है, मैं नहीं बताऊंगी। तो अम्मा, हम भी तो परिवार जैसे ही हैं। तो जी परिवार जैसे? आपने अपनी बहन का रिश्ता इनके घर में स्वीकार कर लिया है क्या? नहीं, हम परिवार जैसे नहीं है। नहीं बताना चाहती आप अपना पारिवारिक रहस्य तो मत बताइए, परंतु हम बताते हैं। यदि आपने ताला नहीं तोड़ने दिया तो हमें विवश होकर ये द्वार तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लीजिए यदि आपसे द्वार टूटता है तो, परंतु ध्यान रहे मेरे ताले को कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वो हिलना भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं आएगी खरोच। धनी मनी। जी गुरु जी। हम इस ताले को पकड़ते हैं, तुम पीछे जाओ, तीव्र गति से दौड़ कर आओ, द्वार से टकराओ और तोड़ दो इस द्वार को। जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। वो इतना ठोस मजबूत पुराना ताला है, इतनी सरलता से टूटेगा नहीं। उसे तोड़ने के लिए तो कोई ठोस वस्तु ही चाहिए होगी। हाँ, आज हम सांड की भांति जाएंगे और हाथी की भांति टकराएंगे। हमें कभी कभी मौका मिलता है अपनी शक्ति दिखाने का, और आज हम शक्ति दिखाएंगे। हिलमनी, तोड़ लगा। मिल गई ठोस वस्तु। मिली टांग? अले तेली टांग नहीं, तेरे टांग के नीचे रखा पत्थर। अब इसी ठोस वस्तु से वो ताला टूटेगा। कोई बात नहीं, पुनः प्रयास कीजिए। हाँ, करत करत अभ्यास सी जड़मती हो सुजान। जानी मनी, चलो यहाँ से। क्या हुआ, परम पंडित होकर इतनी जल्दी पराजय स्वीकार कर ली? नहीं, हमें पराजय स्वीकार नहीं है। पराजय स्वीकारना हमारी प्रवृत्ति में नहीं है। हम आएंगे, लौट कर आएंगे, और इस बार कुछ ऐसा लेकर आएंगे ये द्वार भी टूटेगा और पंडित रामकृष्ण के परिवार का असत्य अभिमान भी। Thank you.